देखो एक एक स्टेटमेंट हम ध्यान से पढ़ेंगे समझेंगे तो हमें समझ आ जाएगा देखो कह रहा है कि अगर x जो है रियल नंबर को बिलोंग करता है और तब इफ सो देन देयर एग्जिस्ट एन ये एक्स जो है उसका बस ऐसी नोटेशन है एन जो नेचुरल नंबर होगा सच दैट ये जो नेचुरल नंबर होगा एन ये बड़ा होगा एक्स से एक्स जो है रियल नंबर को बिलोंग करता है एन जो है नेचुरल नंबर को बिलोंग करता है ठीक है अब हम इसको क्या है कंट्राडिक्टरी प्रूफ करेंगे देखो क्या करेंगे हम एक्स जैसे रियल नंबर है आर्बिट्री तो हम अज्यूम कर लेंगे जिसे यहाँ लिखा है ना कि एन एक्स जो है वो बड़ा है तो हम ये अज्यूम कर लेंगे कि एन जो है वो छोटा है एक्स से ठीक है फॉर ऑल एन बिलोंगिंग टू अ नेचुरल नंबर तो इसमें का मतलब ये हुआ कि जो एक्स है वो बड़ा है ग्रेटर देन इक्वल टू लिख सकते हैं तो इसका मतलब एक्स जो है वो अपर बाउंड हो गया किसका नेचुरल नंबर का इसके सेट वालों का अपर बाउंड हो गया ना सबसे बड़ा हो गया ये ठीक है तो आप कंप्लीटनेस प्रॉपर्टी के अकॉर्डिंग एन के पास कोई सुप्रम भी होगा कंप्लीटनेस प्रॉपर्टी पता है ना क्या होती है कि भाई अगर कोई कंप्लीटनेस प्रॉपर्टी यही कहती है कि देखो मैं आपको दिखा दी कंप्लीटनेस प्रॉपर्टी ऑफ रियल नंबर क्या कहती है इट्स स्टेट दैट एवरी नॉन एम सेट ऑफ रियल नंबर दैट हैज एन अपर बाउंड ऑल्सो हैज़ अ सुप्रिम इन रियल नंबर सो बाय कम्प्लीटनेस प्रॉपर्टी देखो एक्स जो है वो अपर बाउंड था नेचुरल नंबर का तो कम्प्लीटनेस प्रॉपर्टी के अकॉर्डिंग जिस भी सेट का अपर बाउंड होता है उसका सुप्रिमम होता है तो नेचुरल नंबर के सेट के पास भी कोई सुप्रिमम होगा और उस सुप्रिम का हमने नाम दे दिया यू क्या नाम दे दिया यू एक्स था अपर बाउंड उसके सुप्रिमम का नाम दे दिया यू और कंसिडर कर लिया हमने कोई वी जो u माइनस वन हो ठीक है भाई u तो हो गया सुप्रमम ध्यान से देखो u हो गया सुप्रममम नेचुरल नंबर का देखो एक्चुअली हमारा टारगेट है x को छोटा प्रूफ कर मतलब लेस प्रूफ करना n से सो u सुप्रमम हो गया नेचुरल नंबर का आपको हमने v कंसिडर किया u माइनस वन ये x था अपर बाउंड था u क्या हो गया लीस्ट अपर बाउंड सुप्रममम हो गया नेचुरल नंबर का ही अब v मान लिया सुपरम तो लीस्ट अपर बाउंड है तो v मान लिया यू माइनस वन इसका मतलब v इज नॉट एन अपर बाउंड v अपर बाउंड तो नहीं है ना u माइनस वन हमने माना है अब कोई हम मान लेते हैं m नेचुरल नंबर में नेचुरल नंबर की इस लाइन पे नेचुरल नंबर हो सकता है कोई m नाम का भी ठीक है तो m सच देट u माइनस वन जो है यानी ये v m से छोटा है दिख रहा है छोटा है अब ये जो वन है ये इधर आ जाए तो यू जो है वो एम प्लस वन से भी छोटा होगा बिल्कुल एम प्लस वन से यू छोटा होगा ये बात प्रूफ हो गई वी को माना था यू माइनस वन एम कोई एग्जिस्ट करा जो यू माइनस वन से छोटा था यू माइनस वन से बड़ा था एम और यू ये वन इधर आ गया माइनस वन तो यू जो है लेस हो गया एम प्लस वन से राइट यू जो कि अपर बाउंड था एम प्लस वन से लेस हो गया सो सीन्स एम इज़ ए नैचुरल नंबर एंड एम प्लस वन बिलोंग्स टू दिस नेचुरल नंबर कैटेगरी सो ना विच कंट्राडिक्स द फैक्ट दैट अपर बाउंड ऑफ नेचुरल नंबर यू जो कि अपर बाउंड था जिससे नेचुरल नंबर के सारे एलिमेंट छोटे थे हमें तो उससे ही बड़ा एक नेचुरल नंबर मिल गया सो विच कंट्राडिक्स द फैक्ट दैट यू इज़ एन अपर बाउंड ऑफ़ नेचुरल नंबर तो इसलिए ये हमारे पास प्रॉपर्टी आ गई कि एन एक्स अगर कोई नेचुरल नंबर को बिलोंग करेगा तो वो हमेशा ग्रेटर होगा एक्स से जो रियल नंबर को बिलोंग करेगा आई होप इट्स क्लियर अब इसी से मिलती जुलती कोरोलरी है कोरोलरी कि एक सेट है एस जिसका ये वन बाय एन नेचुरल नंबर है वन बाय एन सच देट एन बिलोंग्स टू अ नेचुरल नंबर तो बताना है कि इन्फिमम जो है एस सेट का वो ज़ीरो होगा ठीक है तब देखो जैसे नेचुरल नंबर है वन से स्टार्ट होगा ये एस सेट को बिलोंग करेगा एस जो नॉन एम सेट हो गया नम यहाँ पर देखने वाली बात क्या है कि वन बाय एन ग्रेटर देन इक्वल टू तो ज़ीरो होगा राइट भाई फॉर ऑल एन बिलोंगिंग टू तो अ नेचुरल नंबर वन बाय एन ग्रेटर देन ज़ीरो ही आएगा जैसे यहाँ पे सपोज टू पुट किया तो वन बाई टू पॉइंट फाइव ज़ीरो से तो बड़ा ही हुआ ठीक so, है सो एस बाउंडेड बिलो सेट है एस जो है वो बाउंडेड बिलो सेट है क्यों क्योंकि वही जीरो से जो ज़ीरो जो है एन वन बाई एन सेट सेट हो गया एस का ये वन बाई एन अब ज़ीरो से तो सारे एलिमेंट्स ही बड़े हैं इस सेट के इसका मतलब ज़ीरो तो है हम उसे लोअर बाउंड भी ले सकते हैं ना पर ये वन बाय एन सेट इसलिए बाउंडेड बिलो हो गया क्योंकि इस पर लोअर बाउंड है सो सिंस एस जो नॉन एम भी हो गया बाउंडेड बिलो भी हो गया इसका मतलब कोई इन्फीमम भी होगा अब वो इन्फीम हम डब्ल्यू मान लेते हैं जो कि ग्रेटर देन इक्वल टू ज़ीरो होगा राइट सो नाउ कंसिडर अपसाइलन ग्रेटर देन ज़ीरो ना वन बाय अपसाइलन ऑल्सो बिलोंग्स टू रियल नंबर न फॉर वन बाय अप्सन बिलोंग्स टू अ रियल नंबर बाय आर की मीडियन प्रॉपर्टी right? so, क्या पढ़ा था हमने दे आयर एक्जिस्ट अचुरल नंबर अभी पढ़ के आए हैं सच देट वन बाय अब साइलेंट क्योंकि रियल नंबर को बिलोंग करता है तो नेचुरल नंबर से तो छोटा होगा अब रेसिप्रोकल कर लो तो वन बाय एन नेचुरल नंबर अब साइलेंट से छोटा होगा ये इसके अंदर जो वन बाय एन नेचुरल नंबर था ये अब साइलेंट से भी छोटा होगा नाउ इसका मतलब क्या हुआ कि अब साइलेंट से छोटा होगा और जीरो से बड़ा होगा डब्लू डब्लू क्योंकि इन्फिम में जीरो था लोअर बाउंड एंड इन्फेमम मतलब ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड तो डब्लू से इन्फिमम हो गया वन बाय एन तो बड़ा ही होगा क्योंकि ये इन्फिम है सेट के एलिमेंट्स तो बड़े ही होंगे बट ये ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड है तो जीरो से तो ये बड़ा होगा तो बट अब साइलेंट जो है यहाँ पे देखो वो टेंथ कर रहा है जीरो की तरफ तो इसका मतलब डब्लू और कोई नहीं जीरो ही होगा इसका मतलब इन्फिमम इस सेट का और कोई नहीं ज़ीरो ही है ठीक है तो ये बेसिकली क्रोलोरी थी जिसको हमने स्टेप बाय स्टेप स्टेप बाय स्टेप प्रूव करा नाउ नेक्स्ट कॉरोलोरी देखते हैं कि टी इज ग्रेटर देन जीरो देर एग्जिस्ट वन बाय एन टी नोटेशन में विच इज लेस देन टी एंड ग्रेटर देन जीरो टी खुद ग्रेटर देन जीरो है पर जो ये वन जो एन टी है कोई एक नेचुरल नंबर है एन जिसका रेसिप्रोकल वन बाय एन ये टी से छोटा है और ज़ीरो से बड़ा है तो देखो सिंस हमने अभी पढ़ा है इसका जो इन्फिमम होता है वो ज़ीरो होता है तो इन्फिमम क्या है ज़ीरो है तो इसका मतलब ये हुआ कि जो टी है वो तो लोअर बाउंड नहीं होगा सेट का क्योंकि टी तो ग्रेटर देन जीरो है ये बात हमें दे रखी है एंड ऑलरेडी हमें दे रखा है कि इसका ग्रेटेस्ट अपर लोअर बाउंड जीरो है तो ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड जीरो है और लोअर बाउंड से कुछ ऊपर होता है तो वो इन मम से कुछ ऊपर जो नंबर आएगा वो लोअर बाउंड नहीं होगा तो इसका मतलब टी तो लोअर बाउंड होने से रहा तो इसलिए ये टी से तो छोटा ही होगा ज़ीरो से बड़ा होगा ये बात प्रूफ हो गई नेक्स्ट देख लो इफ वाई इज ग्रेटर देन ज़ीरो अगर वाई कोई ग्रेटर देन ज़ीरो है तब कोई नेचुरल नंबर एग्जिस्ट करेगा इस तरीके से कि एन से तो छोटा होगा वाई और एन माइनस वन से वाई बढ़ा होगा ठीक है तो वाई जो है वो ग्रेटर देन जीरो है ऐसे कि एन से तो छोटा है पर एन माइनस वन से बड़ा है वाई कंसिडर कर लो भाई ई वाई कोई सेट है जिसमें एम एक नेचुरल नंबर है सच दैट एम ग्रेटर देन वाई मान लो कोई सेट है एम जिसमें एम क्या है नेचुरल नंबर और ये जो नेचुरल नंबर है वाई से बड़ा है राइट नाउ ई वाई जो है वो नॉट इक्वल टू एम टी सेट तो है नहीं नॉन एम टी सेट है तो अब आर की मीडियन प्रॉपर्टी के अकॉर्डिंग आर की मीडियन प्रॉपर्टी क्या कहती थी कि जो नेचुरल नंबर होगा अगर एक्स बिलोंग्स टू रियल नंबर और एन बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर सो एन विल बी ग्रेटर देन दैट एक्स सो नाउ क्लियरली यहाँ दिख रहा है ये जो वाई है वाई है इससे एम बड़ा है एम क्या है नेचुरल नंबर है तो इसलिए डी वाई क्या हुआ भाई वाई से एम बड़ा है एम है नेचुरल नंबर तो अब वाई से एम बड़ा इट मीन्स इट मीन्स वाई इज लोअर बाउंड ऑफ दिस ई वाई एंड ई वाई का जो लीस्ट एलिमेंट है वो है एन वाई सबसे छोटा एलिमेंट तो यही है ना एन वाई सो इसलिए ये बात प्रूफ हो गई कि जो वाई है वो एन वाई और इससे ग्रेटर होगा इससे छोटा होगा सो आई होप दिस आर प्रॉपर्टी लेक्चर मस्ट भी हेल्प फॉर यू थैंक यू